नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। और आज की वीडियो में हम लोग मुख्यतः बात करेंगे आदिवासी छात्रों से, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है आदिवासी छात्रों का रोल इस बार के चुनाव में। 28% आरक्षण की बात है, हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। क्यों बात करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि JMM के जो भी कार्यकर्ता है या फिर कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है, वो आपको इन सब विषय पर बात नहीं करेंगे। वो अगर आपके क्षेत्र में आएंगे तो आपको यही चीज़ बताएंगे कि दिक्कू लोग हैं, ठीक है, आपकी ज़मीन हड़प लेंगे, जल जंगल जमीन खतरे में आ जाएगा, इस तरह की बातें आपके साथ की जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जाएगा और आपका वोट लिया जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र आदिवासी, आप सोच करके देखिए, 2000 सीट CGL में है। अगर ये बहाली सही तरीके से होता, फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होता और इसका परिणाम आता, तो कम से कम 500 प्लस सिर्फ आदिवासी छात्र की नौकरी होती, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता था। 2000 का 28% आप निकाल लीजिए, 500 के समथिंग आता है, उसमें शुद्ध रूप से ST कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होता और आप कोई चपरासी, प्यून या चौकीदार नहीं बनते, आप पदाधिकारी बनते, आप ASO बन सकते थे, आप BSO बनते, आप CI बनते। इससे कितना बड़ा परिवर्तन आता आप लोग सोच सकते हैं। और ये सिर्फ एक बहाली की बात है, इसी तरीके से और भी जितनी बहाली इस सरकार में हुई, चाहे वो नगर पालिका का हो, संदिग्ध है, ठीक है, आप ही लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है। PGT 4800 ग्रेड पे की नौकरी थी, उसमें भी 28% आदिवासी के लिए था। तो कोई भी बहाली हो झारखंड में, अगर बहाली आती है, सही तरीके से एग्ज़ाम होता है, तो सबसे अधिक भला अगर किसी का हो सकता है तो आदिवासी छात्रों का हो सकता है। शुद्ध रूप से आपको 28% शेयर मिलता है। लेकिन आपको आरक्षण के नाम पर हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है, आरक्षण के नाम पे आपको लड़ने के लिए सामने खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन आरक्षण का मतलब क्या है, अगर वैकेंसी ही नहीं आएगी, एग्ज़ाम होगा ही नहीं, तो फिर आप आरक्षण लेकर के छीलिएगा क्या, अब क्या करिएगा आरक्षण का, अब खुद सोच करके देखिए। आपका 28% शुद्ध रूप से इन 5 सालों में बर्बाद हुआ है, ठीक है, शुद्ध रूप से। आप खुद इस विषय में विचार करिएगा, आपके क्षेत्र में जब भी जनप्रतिनिधि आएंगे तो आप उनसे सवाल पूछिएगा, ये सब, ये दिकू है और बाहरी है, ठीक है, आपका ज़मीन जंगल कोई नहीं लूट रहा है, CNT SPT एक्ट बहुत सख्त है, अगर आपका ज़मीन जंगल कोई लूट रहा है तो वो नेता ही है, और उसमें से भी कोई आदिवासी नेता ही आपका जल जंगल जमीन छीन रहा होगा, ठीक है। इसीलिए मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ बहुत सारे, कोई टूडू है, कोई किस्कू है, कोई हेम्ब्रम है, ठीक है, आ करके वो लोग कमेंट करते हैं कि JMM जिंदाबाद। तो ऐसे सब्सक्राइबर या फिर जो भी मेरे ऐसे दर्शक हैं जो देखते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, JMM हो चाहे भाजपा हो, वो हमेशा जिंदाबाद रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजनीतिक दल हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। आगे थोड़ा स्लिपरी है, मैं थोड़ा सा यहाँ से निकल लूँ, उसके बाद फ्री होके बात करता हूँ, चूँकि जंगल आज घूमने का विचार हुआ है, ठीक है, और बारिश हुआ है तो ये थोड़ा सा टेरेन अभी डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से निकल देते हैं, उसके बाद आपसे आगे चर्चा करते हैं। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे JMM हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भाजपा, RJD, JDU, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमेशा जिंदाबाद रहेगी। हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टी का एक इंच कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कि ईंट से ईंट बजा देना है, तो पानी पिला देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग सिर्फ वोट दे करके सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार इस पर भरोसा किया, अगली बार किसी और पर करिए, उसके बाद किसी और पर करिए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता, अगर एक बार वो सत्ता पे चला जाता है, उसके पास इतनी संपत्ति हो जाती है, इतना पैसा हो जाता है कि हम लोग उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। पैसे की कमी, पैसे का अभाव, पावर का अभाव उनके पास कभी नहीं होगा। तो इस तरह की बचकानी बात कि JMM जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, छात्र अगर करें तो इससे बचा जाए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो लोग जिंदाबाद ही रहेंगे, हम लोग और आप लोगों का मुर्दाबाद होगा, ठीक है। इसीलिए 28% ध्यान रखना, 28% कोई मामूली आरक्षण नहीं होता है। और झारखंड चूंकि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पे 28% आदिवासियों को मिला हुआ है, तो उसका लाभ उठाइए,
ये सिर्फ कागजों तक नहीं रह जाए। आप समझ रहे 28% आरक्षण अगर स्टार्टिंग से यहाँ पे बहाली वगैरह हुआ रहता शुरू से, या इन 5 साल में भी अगर ये लोग ढंग से किए होते तो एक भी आदिवासी आपको बेरोजगार सड़कों पे नहीं मिलता जो थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करता है। आप सोच करके देखिए इस विषय में, आपने थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की, आप थोड़े बहुत भी जानकार हैं तो आप कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। लेकिन इन सब विषयों में मैं देखता हूँ आदिवासी समाज का भी उतना रुझान नहीं है, वो बात ही नहीं करना चाहते। जल जंगल ज़मीन, जल जंगल ज़मीन तो ठीक ही है, उसको भी भाजपा ही बचाएगी आपके लिए। जल जंगल ज़मीन कैसे मिनरल्स को लूटा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। हो सकता आप लोग अभी ये ऊपर प्लेन की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो इसको विकास बोलते हैं, ठीक है। ये नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है, उन्होंने ही ये विचार किया था कि देवघर में एक एयरपोर्ट खुलना चाहिए, और खुला भी, रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट खुला, और अभी आप लोग ये आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। कांग्रेस कभी भी यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनाती, कभी नहीं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मैं मल्टीपल टाइम्स इस बात को बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेमंत सोरेन से कोई बैर नहीं है। हेमंत सोरेन जी एज एन इंडिविजुअल बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं। आप उनका बिहेवियर देखिए, आप उनके बात करने का तरीका देखिए, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी मुझे लगते हैं, अच्छे नेता हैं। तो तकलीफ़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कांग्रेस की गोद में जाकर के वो बैठ गए, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को सिर्फ और सिर्फ करप्शन करना सिखाती है। अगर यही गठबंधन भाजपा के साथ हुआ रहता आपके हेमंत सोरेन जी का, तो आज कहीं ना कहीं विकास पुरुष के नाम से हेमंत सोरेन जाने जाते। तो हेमंत सोरेन जी को मैं बहुत ज़्यादा दोष नहीं देता हूँ, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो आदमी नाम उन्हीं का लेगा, ठीक है। आदमी कंप्लेंट उन्हीं से करेगा, और आदमी को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शिकायत है, सबसे आगे नाम हेमंत सोरेन जी का ही आएगा। अभी आप देख लीजिए राज्य में क्या माहौल है, क्या कोई कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस का नाम कोई ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है, कांग्रेस पीछे से बच के निकल रही है, और सारा का सारा आरोप किस पे हो रहा है, तो हेमंत सोरेन जी पे हो रहा है। मैया सम्मान योजना बहुत अच्छी योजना थी, बहुत अच्छी योजना थी, इससे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को लाभ मिला था और मिलता भी। लेकिन ये योजना अगर पाँच साल तक चली होती तो इसके बारे में गुणगान हम लोग करते। बिल्कुल चुनाव जब नज़दीक आ गया, बिल्कुल अंत समय में 1-2 महीने के लिए ये मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, वो भी चंपई सोरेन के कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया था। तो कैसे इसका क्रेडिट हम लोग हेमंत सोरेन जी को दें और कैसे इसका गुणगान करें? योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर शुरुआत से ये लोग दिए होते कम से कम 3-4 साल, 1000-1000 रुपये हर महीने मिला होता, बहुत ज़्यादा ये क्रांतिकारी योजना था। लेकिन इसके जवाब में अब गोगो दीदी योजना आ रहा है, ठीक है, ये लेके आ रहे हैं भाजपा वाले। अब ये शुरुआत से ही देंगे, 5 साल से पूरा 5 साल 2100 रुपये मिलेगा, तो ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि जब भी आदिवासी छात्र, आप संथाल परगना के हो, आप कोल्हान के हो, आप किसी भी क्षेत्र से हो, जब आप वोट करने जाएं, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो तैयारी करते हैं, जब आप जाएंगे वोट डालने के लिए, तो बस 28% वाला आंकड़ा दिमाग में रखिएगा कि आपको 28% सिर्फ कागज़ों पर चाहिए, या एक्चुअल में आप चाहते हैं कि किसी ब्लॉक को विज़िट करें, या आप किसी ऑफिस में जाए तो वहाँ पे आपको देखने को मिले कि 28% आदिवासी वहाँ पर दिख रहे हैं आपको। अभी दरोगा की वैकेंसी अगर भाजपा की सरकार आती है तो डेफिनेटली आएगी, सिपाही की आएगी, रेंजर की आएगी, उसके बाद वन रक्षी की आएगी, बहुत सारी बहाली आएंगी, वहाँ पे आप 28% कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है। एक भी आदिवासी मैं बोल रहा हूँ जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है बेरोजगार नहीं रहेगा, तो दिमाग में रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें नहीं है। मैं अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाजपा का एजेंट है, भाजपा से मिला हुआ है, तो भाजपा इतनी मामूली पार्टी नहीं है, इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उससे मिल जाना इतना आसान है, ठीक है। और भाजपा मुझे कोई यहाँ से जरमुंडी से टिकट दे देगी या राज्यसभा भेज देगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं भी अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ और आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। 5 साल हम लोगों ने देख लिया ना, उसके बाद ही तो मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। 5 साल तो पूरा मौका मिला जेएमएम प्लस कांग्रेस को, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं जो भी बात बोलता हूँ, अगर फैक्चुअली आप लोग किसी बात पे
कोई पॉइंट रखना चाहते हैं कमेंट में तो रखिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। फिर लोग 2001 में चले जाते हैं, 2006 में चले जाते हैं, 2000 से 2014 तक की कहानी को भूलिए। उस बीच में कांग्रेस भी थी, जेएमएम भी थी, भाजपा भी था, सब ने लूटा है, भाजपा ने भी लूटा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पीरियड को भूलिए और 2014 के बाद की बात करिए, क्योंकि उसके बाद बदलाव आया है। 2014 से पहले तो कांग्रेस थी ना सेंटर में, क्यों नहीं झारखंड में इतना करप्शन हो रहा था तो क्यों नहीं एक्शन लिया उन लोगों ने, ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। कुछ लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं, बोलते हैं कि 20 साल से भाजपा यहाँ पे राज कर रही है, पता नहीं उनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। बाकी आगे बात करते रहेंगे, बस इतना ही कहना था। 28% बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। अदरवाइज़ जो जनरेशन से चलता आ रहा है, ठीक है, वो चलता रहेगा। सड़क किनारे वही महुआ बेचना और गरीबी बदहाली, और देखिए ना क्या कंडीशन है। संथाल परगना में मैं रहता हूँ, अभी यहाँ पे जब लोग घर ढालते हैं ना, जब घर बनवाते हैं, जब घर में ढालने का समय आता है, आप देखिएगा वहाँ मैक्सिमम जो लेबर और मजदूर आते हैं, मैक्सिमम वो आदिवासी रहते हैं। खेती करवाना है, पीछे आप खेत देख पा रहे होंगे, ठीक है, खेती करवाना है तो लेबर क्या कहाँ से आएगा, तो संथाल परगना में आपको आदिवासी मिलेंगे, उनको ले आइए वो लोग कर देंगे। तो ये स्थिति क्यों बनी संथाल परगना के आदिवासियों की, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, आपको इतना गरीब कर दिया गया कि आप घर ढाल रहे हैं, वो अपना नहीं दूसरों का, उसके बाद आप खेती कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये तस्वीर बदले, ठीक है, आदिवासी सिर्फ खेत में, वो भी दूसरों को खेत में काम ना करें, आप दूसरों के घर को ना ढालें, आप अपना भी घर बनवाएं, आप अपने खेत में खेती करें, आप ऑफिस जाएं, आप ब्लॉक में CEO बन करके जाएं, BDO बन करके जाएं, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी आँखें खोलें, जो आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं आप उस पर भरोसा करें, ठीक है। अदरवाइज़ जो चलता आ रहा है वर्षों से वो चलता रहेगा। आपकी बात, आदिवासी की बात करने वाले नेता, जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले नेता, अरबों खरबों की संपत्ति उन लोगों ने बना ली है, और आप 1000 रुपये के लिए भी तरस रहे हैं। 1000 भी आपको मिलता है, आपको लगता है कि बहुत मिल गया है, तो बहुत ही दयनीय कंडीशन है, खास करके संथाल परगना की, ठीक है। तो आँखें खोलिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बाकी हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है, इतना आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, सरकार किसी की भी आए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेमंत सोरेन से कोई बैर नहीं है, अच्छे नेता हैं, लेकिन गलत दल के साथ वो मिल गए और उस चक्कर में बहुत बुरी अपनी उन्होंने हालत बना ली है। वो तो शुक्र है बरहेट विधानसभा क्षेत्र का कि वहाँ 70,000 आदिवासी हैं और बाकी 30,000 से 40,000 मुस्लिम हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन वहाँ बनता है कि वो जीत जाते हैं। अदरवाइज़ अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि आप आदिवासी ही तहसील और बहुत आपने काम किया है, तो किसी और क्षेत्र से लड़के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से अगर JMM का कोई भी कार्यकर्ता देख रहा है, तो ये मैसेज पहुंचाइए ऊपर तक कि कांग्रेस को छोड़िए और भाजपा के साथ जुड़िए, यही JMM का फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। अदरवाइज़ ये कांग्रेस तो डूब ही रही है, आपको भी ले डूबेगी। आप क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।